सईम सादिक के निर्देशन में बनी पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां फिल्म जॉयलैंड पाकिस्तान की तरफ से ऑस्कर 2023 में ऑफिशियल एंट्री करने वाली थी, वहीं अब खबर आ रही है कि इससे पहले ही फिल्म को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 3 नवंबर को जॉयलैंड का ट्रेलर रिलीज किया गया था और 18 नवंबर को फिल्म रिलीज भी होने वाली थी, लेकिन इस बीच फिल्म को लेकर बढ़ते बवाल को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने फिल्म को बैन करने का फैसला सुना दिया है। जॉयलैंड को भले ही अपने ही देश में आलोचनाएं झेलनी पड़ रही हो, लेकिन फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल सहित कई दूसरे विदेशी फिल्म फेस्टिवल में काफी सराहना मिली है और फिल्म ने कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं। फिल्म जॉयलैंड को पाकिस्तान में रिलीज से कुछ महीने पहले ही स्क्रीनिंग के लिए सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद इस फिल्म को बैन करने का कदम उठाया जा रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म में ज्यादा आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर इस पर बैन लगाने का फैसला किया है। उनका कहना है कि जॉयलैंड को 17 अगस्त को ही स्क्रीनिंग के लिए सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया था, लेकिन फिल्म के कंटेंट को लेकर हाल ही में हुए प्रदर्शन के कारण सूचना प्रसारण मंत्रालय को ये कदम उठाना पड़ रहा है। 11 नवंबर को एक सूचना जारी करते हुए मंत्रालय ने कहा, हमें लिखित शिकायतें मिली थी कि फिल्म में अत्यधिक आपत्तिजनक चीजें हैं जो हमारे समाज के मूल्य और मानकों के अनुरूप नहीं है। वहीं हम बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी परिवार में बेटे के जन्म को लेकर प्रेत सत्ता और तकियानुसी विचारों को दिखाती है। जॉयलैंड में एक परिवार है जो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा चाहता है। परिवार का सबसे छोटा बेटा चोरी छुपे एक इरोटिक डांस थिएटर ज्वाइन कर लेता है, जहां उसे ट्रांसजेंडर महिला से प्यार हो जाता है और फिल्म की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन अब देखना यह है कि इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक पर बनी फिल्म को बैन करके क्या वहां की सरकार खुद का ही नुकसान करवा रही है या उनका ये फैसला सामाजिक तौर पर सही है। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।